नमामि धन्वंतराय नमा। हेलो गाइज, आई रोंगे वेलकम्स यू। सो गाइज, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारा एक कुमार भ्रत्य का एक बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। टॉपिक का नाम है वय विभाजन। तो देखते हैं वय विभाजन को विभिन्न आचार्यों के मत से कैसे कैसे बताया गया है। आइए PGT में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आचार्य काश्यप, जिनको मुख्य स्थान दिया गया है, कुमार भ्रत्य के लिए मुख्य इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आचार्य काश्यप देखिए क्या कहते हैं, इन्होंने दो प्रकार से वय का विभाजन किया है। तो देखिए पहले जो है गर्भ बाल कुमारख्यम मिति त्रिविधम वया, तो उसमें इन्होंने बताया है कि जो हमारी वय है वो तीन प्रकार की होती है, गर्भावस्था, बाल्यावस्था और कुमार्यावस्था। ये तीन अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। तो गर्भावस्था पर जो है उसमें इन्होंने बताया है कि जन्म तक, जब तक बच्चा माँ की कोख में रहता है, गर्भ में रहता है, वो अवस्था गर्भावस्था आती है। बाल्यावस्था, जब बच्चा जन्म ले रहा है, मतलब 0 से लेकर और उसके 1 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। कुमार्यावस्था, 1 से लेकर 16 वर्ष तक की आयु कुमार्यावस्था के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद देखिए इन्होंने फिर से बताया, यौवनम, मध्यम, वृद्धम, तेज, त्रिविधम पुनः। तो इन्होंने फिर दोबारा से तीन प्रकार बताए हैं कुमार्यावस्था के बाद। तो देखिए यौवनावस्था, मध्यमावस्था, वृद्धावस्था। तो यौवनावस्था जो है यहाँ पर 16 से लेकर 34 वर्ष तक की आयु बताई गई है, 34 ईयर्स की। मध्यमावस्था जो बताई गई है 34 से लेकर 70 ईयर्स तक की बताई गई है। और जो वृद्धावस्था बताई गई है वो 70 से लेकर मृत्यु पर्यंत बताई गई है, यानी कि मृत्यु तक बताई गई है। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है बाल्यावस्था, मध्यमावस्था और वृद्धावस्था, इन्होंने तीन प्रकार बताए हैं। इन्होंने तीनों प्रकार में से जो हमारी बालावस्था और मध्यावस्था है उसमें दो दो प्रकार इनके बताए हैं। तो देखिए बालावस्था में सबसे पहले बात करते हैं, तो क्षीरम, क्षीरन्नाद और अन्नाद, इन्होंने तीन प्रकार की बालावस्था में बच्चे बताए हैं और कौन कौन से साल के बच्चे उसमें वहाँ पर रखे गए हैं। तो देखिए 1 ईयर तक, यानी कि 1 वर्ष तक जो है वो बच्चा क्षीरप होता है, यानी कि केवल दूध का सेवन करता है। क्षीरन्नाद मतलब क्षीर के साथ थोड़ा बहुत अन्न का सेवन करता है 1 से लेकर 2 साल की आयु में। और उसके बाद अन्नाद हो जाता है, यानी कि फुल्ली डिपेंड ऑन फूड हो जाता है 2 से लेकर 16 वर्ष की आयु में। उसके बाद मध्यमावस्था की अगर हम बात करें तो वृद्धि, यौवन, संपूर्ण और हानि, ये चार प्रकार की बताई हैं। तो देखिए वृद्धि अवस्था जो होती है 16 से लेकर 20 वर्ष की आयु बताई गई है। यौवन अवस्था 20 से लेकर 30 वर्ष की आयु बताई गई है। संपूर्णता यानी कि 30 से लेकर 40 वर्ष की आयु बताई गई है। और हानि जो है 40-70 ईयर्स की आयु बताई गई है। उसके बाद वृद्धावस्था आ जाती है जो कि 70 वर्ष की होती है और मृत्यु पर्यंत तक होती है। अब इसी क्रम में आगे अगर हम चले तो बात करेंगे अष्टांग संग्रह की। तो देखिए अष्टांग संग्रह में जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने क्या बताया, इसका जो रेफरेंस है वो शारीरिक स्थान, अष्टांग संग्रह शारीरिक स्थान अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 24-25 है। तो देखिए इसकी एक ट्रिक लिखी हुई है बासु। इसमें सबसे पहले आप बालावस्था, मध्यमावस्था और वृद्धावस्था तीन आप याद रखेंगे। बालावस्था जो है जन्म से लेकर 16 वर्ष की होती है। मध्यमावस्था जो होती है 16 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु बताई गई है। और जो वृद्धावस्था है वो हमारी बताई गई है 60 से लेकर मृत्यु तक की बताई गई है। अब देखिए जो बालावस्था है वहाँ पर आप बासु याद रखेंगे। एक ट्रिक लिखी है बासु, तो बा से देखिए B4 हो गया बालावस्था, A4 आपका आहार, S4 आपका स्तनीय और U4 उभयवृत्ति। तो आप बालावस्था के जो फर्दर डिवाइडेशन है वो स्ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला बेसिक है, सभी में कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा। अब अष्टांग हृदय की बात करें तो ये सुश्रुत के जो मत है उसका ही समर्थन करते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में सुश्रुत ने भी 70 ईयर्स माना, मृत्यु पर्यंत तक माना है। तो यहाँ भी देखिए आप बालावस्था, मध्यमावस्था और वृद्धावस्था। तो बालावस्था जो इन्होंने मानी है वो जन्म से लेकर 16 वर्ष तक आयु मानी है। मध्यमावस्था 16 से लेकर 70 वर्ष मानी है। अष्टांग संग्रह ने आप ऊपर देख पा रहे हैं उन्होंने 60 वर्ष तक मानी है मध्यमावस्था, और अधहृदय ने मानी है 70 ईयर्स तक। तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ध्यान रखिए इस चीज़ पे। वृद्धावस्था जो है 70 ईयर से मृत्यु पर्यंत, और हमारे जो संग्रह है वहाँ पर 60 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मानी गई है। अब बालावस्था में बात करते हैं तो देखिए क्षीरवृत्ति, अन्नम और उभय, वहाँ पर भी स्तन्य आहार और उभयवृत्ति आ रहा था, और यहाँ पे थोड़ी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। यहाँ पर क्षीरवृत्ति, अन्नम और उभय आ रहा है, तो आपको ये याद रखना है अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए चरक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए चरक, बाम, जीर्ण, ये आपको याद रखना है। इसमें चरक, बाम, जीर्ण मतलब कि जो बाम आती है पेन रिलीविंग के लिए, तो चरक की जो, चरक ने जो बाम बनाई है उनसे क्या हुआ, जो दर्द था वो जीर्ण हो गया, पच गया, वो दर्द खत्म हो गया। तो चरक विमान 8 का अध्याय, 8 जो अध्याय है वो 8 नंबर का है, और उसमें 122 नंबर का श्लोक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चरक आचार्य देखिए क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि बाल, मध्य और जीर्ण, ये तीन प्रकार की इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। बाल अवस्था जो होती है 16 वर्ष तक होती है, और इस अवस्था में मुख्यतः कहा गया है कि जो धातुएं हैं वो अपरिपक्व होती हैं, यानी कि धातुएं पूरी तरीके से परिपक्व अवस्था में नहीं आ पाती। मध्य अवस्था जो होती है वो 60 वर्ष तक की आयु बताई गई है, इसमें जो है पित्त दोष ज़्यादा डोमिनेंट होता है। और जीर्ण अवस्था जो बताई गई उसमें 100 वर्ष तक की आयु बताई गई है, और मोर देन 100 ईयर आ जाता है यहाँ पर, तो जिसमें क्या बताया गया, डोमिनेंसी वात की बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो हमारी ट्रिक है चरक बाम जीन। तो देखिए चरक से तो आपको आचार्य चरक याद हो जाएंगे कि आचार्य चरक का मत है, बा से देखिए बाल्य अवस्था हो जाएगी, माँ से देखिए मध्य, और जीर्ण से जीर्ण अवस्था आपको यहाँ पर याद हो जाएगी। तो इस प्रकार चरक का मत खत्म होता है। अब हरित आचार्य हरित की बात करते हैं, तो हारा बाय MV मतलब जो आचार्य है यहाँ पर आप इसके आगे आचार्य लगा सकते हैं कि जो आचार्य हैं वो हारे हैं किससे, MV से, MV नाम का कोई था उससे हार गए। तो देखिए यहाँ पर जो हारा है उसे तो आप हरित याद रख सकते हैं, फिर उससे बी से आप रखेंगे बाल्यावस्था, वाई से आप याद रखेंगे युवावस्था, एम से मध्यम अवस्था और वी से वृद्धावस्था। अब इनका ईयर देख लेते हैं, तो बाल्यावस्था जो है वो जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु तक माना गया है, फिर युवावस्था 16 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु तक माना गया है, मध्यम अवस्था जो मानी गई है वो 25 से लेकर 70 ईयर्स तक की आयु मानी गई है, और वृद्धावस्था 70 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मानी गई है। अब देखिए आचार्य हारित क्या कहते हैं, उन्होंने जो फीमेल्स हैं उनको एक अलग उनकी कैटेगरी करी है, उनको अलग एज वाइज डिवाइड कराया उन्होंने, तो उसी को हम देखेंगे। तो देखिए आचार्य जो हारित है वो बोलते हैं कि जो 5 वर्ष की बाला है, मतलब 5 वर्ष की जो कन्या है उसको क्या कहा गया है, बाला कहा गया है, फिर उसी को जब 6 से लेकर 11 वर्ष की वो कन्या हो जाती है उसको मुग्धा बोला गया है, फिर पुनः 12 वर्ष की आयु में उसको बाला बोला गया है, और 13 से लेकर 19 वर्ष की आयु में जब वो पहुँचती है तो उसको पुनः मुग्धा बोला जा रहा है, उसके बाद 20 से लेकर 28 वर्ष की आयु में उसको प्रौढ़ कहा जा रहा है, और 29 से लेकर 41 वर्ष यानी 29 से लेकर 41 ईयर्स की आयु में उसको प्रगल्भा बोला जा रहा है। तो ये हमारे आचार्य हारित है जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक इस तरह का स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया है। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए पारादर की बात करते हैं, तो देखिए आप ट्रिक देख पा रहे हैं, गौरी कन्या पर रज, अर्थात गौरी कन्या पर उसका किसी का मन आ गया, तो उसके लिए क्या है, तो गौरी से आप याद रखेंगे गौरी, री इसमें जो आ रहा है बाद में, गो से आप गौरी याद रख लेंगे, री से आप रोहिणी याद रखेंगे, कन्या से कन्या याद रखेंगे, पर से आपको पारासर याद रहेगा, और रज से रजस्व वाला को आप याद रखेंगे। तो गौरी को देखिए 8 ईयर की आयु जो जन्म से लेके 8 ईयर तक होता है उसको, रोहिणी 9 ईयर की आयु में, कन्या 10 ईयर की आयु में, और रजस्व वाला मोर देन 10 ईयर की जो आयु होती है उसमें आपको रजस्व वाला उस लेडीज को माना गया है, उस कन्या को माना गया है। आचार्य भाव प्रकाश क्या कहते हैं, इसके ट्रिक आप देख पा रहे हैं, भाव की बात प्रवर, तो भाव की जो बात थी वो प्रवर मतलब उत्तम मानी जाती है भाव की। तो अब देखिए भाव से तो आपको भाव प्रकाश याद हो जाएगा, की बात प्रवर, तो की से आपको कुछ याद नहीं करना, बात से आपको देखिए बाला याद करना है, ता से आपको तरुणी याद करना है, प्रवर से प्र से आपको प्रौढ़ा याद करना है, और व्र से आपको व्रज याद करना है। तो देखिए बाला जो है 0 से लेकर 16 ईयर बोली गई है, तरुणी 16 से लेकर 32 ईयर मतलब 16 से 32 ईयर जो वर्ष है वो बोले गए हैं, प्रौढ़ा में 32 से लेकर 50 वर्ष की आयु बोली गई है, और वृद्धा में 50 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इन्होंने रखा है। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए हम अमरकोश की ओर बात करते हैं, तो आइए आचार्य अमरकोश जो हमारे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या रहा है, तो बाप किशोर का अमर यौवन, मतलब कहा जाता है कि जो बाप किशोर नाम का कोई बाप है उसका जो यौवन है वो अमर है, तो अमर से आपको याद रखना है अमरकोश, उसके बाद देखिए बा से आपको बाला याद रखना है, पा बाप, तो उस पा से आपको पौगंड याद रखना है, का से आपको किशोर से आपको किशोर याद रखना है, बाप किशोर का यौवन, यौवन से आपको यौवन याद रखना है। तो इस प्रकार जो डिकोडेशन है स्ट्रिक का हो जाता है, बाप किशोर का अमर यौवन, का से कुछ नहीं है यहाँ पर, बा से आपको बाला याद रखना है, पा से पौगंड याद रखना है, उसके बाद किशोर से आपको किशोरी याद रखना है, का से कुछ नहीं है, अमर से आपको अमर कोश याद रखना है, यौवन से यौवन रखना है। अब देखिए इसमें जन्म से लेकर 9 वर्ष की आयु तक बाला, पौगंड में 5 से लेकर 9 वर्ष की आयु, किशोर में 9 से लेकर 16 वर्ष की आयु, और यौवन में मोर देन 16 वर्ष माना गया है। तो गाइज इस प्रकार हमने जो वय विभाजन का एक टॉपिक है वो कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप अपनी जो ईमेल आईडी है वो हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसको इम्प्रूव करने की सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू गाइज।